विजय सिंह जी से बातें करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। तो ये बताइए कितने टाइम से ये काम आप कर रहे हैं? मैं 40 साल से ज़्यादा हो गया सर मुझे। 40 साल हो गए आपको ये काम करते हुए, और कैसा लगा जब आपको मतलब ऊपर वालों ने अवार्ड दिया कि इतने लाख आपने मतलब 6 महीने में स्लाइक किया था वो टारगेट पूरा आपने? नहीं, वो हकीकत में हमने क्या हुआ कि 92 दिन के अंदर 1 लाख डिलीवरी दी थी। कितने दिन में? 92 डेज। वो हो तकरीबन 3 महीने मान सकते हैं। 3 महीने में हमने 1 लाख डिलीवरी दी थी। सुन लो यार, अपने आप में बहुत अनोखा रिकॉर्ड है। अच्छा जी। हाँ, पूरे एशिया का। पूरे एशिया का जो आपके हाथ में है। हाय हाय, हमारे खाने वालों में दम है साहब, जिनने इतना फास्ट काम करवाया। और हम 70% ही घर में इंदौर शहर में पहुँच चुके थे। हमारा डिलीवरी हो चुका था डिलीवर। अच्छा जी, अच्छा जी। 70% ही घर में पहुँच गए हम। अच्छा जी, 3 महीने में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बात बताएंगे, यहाँ पे आप नॉन वेज और वेज देते हैं, तो आप किस तरह से ध्यान रखते हैं इन बातों का? हमारा क्या है, काउंटर अलग अलग बना रखा था। हाँ जी। और तवे आपके जो टिक्की है ये अलग है, वो अलग है नॉन वेज का? सब वो तो अलग ही है साहब, एकदम डायरेक्ट दिखता है। जिस चाकू से आप काटते हैं वो भी अलग अलग है? वो भी अलग है। तो ये मैंने इनसे जानबूझ के पूछा प्रश्न में, पहले ये सब चीज़ें चेक कर चुका हूँ, क्योंकि अपना चैनल वेज है एक्चुअली। तो इनका तवा भी अलग है और चाकू भी अलग है दोस्तों, और बहुत बढ़िया लगा। ये बहुत कम होता है कि आपने बड़ा अच्छा ध्यान रखा हुआ इस चीज़ के लिए कि बिल्कुल वेज वालों के लिए अलग से ही। तो आप ये बताइए, इस पर जो आप वो टिक्की या पैटी जो भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या डालते हैं? आलू की होती, क्या चीज़ होती है? सिर्फ आलू रहता था उसमें, वो मिर्ची मसाला हम डालते हैं। अच्छा, आलू और मिर्ची मसाला लगे। और जो बन होता है आपका, ये किस चीज़ का बना होता है? मैदे का? सूजी का? मैदे का रहता है, लेकिन हमारा बन बहुत फ्रेश रहता है। अच्छा। हमारा बन की लाइफ जो है 4-6 घंटे ही हम रखते हैं उसको। अच्छा। क्योंकि जो फूड बैक्टीरिया है, जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, फूड बैक्टीरिया जो है ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता है। बिल्कुल। उस बन में बिल्कुल, तो उसमें ताजगी बनी रहती है, हम जब तक खिलाते हैं। तो खाने के बाद में भी अपने आप भी पचता है। क्या बात है। अच्छा, और जो आप ये रिफाइंड यूज़ करते हैं, ये कौन सा वाला है? हम अमूल का घी ही चलाते हैं। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं, हाँ, ये अमूल का घी है? हम वही बोल रहे हैं, हमारे पास बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं। अच्छा। हमको कई लोग बोलते हैं कि मतलब मानते नहीं है वो, हमको मनवाना भी नहीं किसी से। अच्छा। कई लोग बोलते हैं आप बहुत सस्ता बेचते हो बच्चे, इसीलिए। तो हम ये बोलते हैं, हमने जब शुरू करा था तो 60 पैसे में करा था हमने शुरू। बिल्कुल। और अब हम उसको 30 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको लगता है हम बहुत महंगा बेच रहे हैं। बिल्कुल, बात सही है।
और ये भी अच्छी बात लगी कि आप स्टील की प्लेटें देते हैं, मतलब इससे भी बरकरार रहती है। आप भी समझते हो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ। मैंने तो मतलब मेरे पिताजी ने 54 भी फीस के लिए नहीं भरी और न पढ़ा मैं, क्योंकि थी भी नहीं। अच्छा, आपको लाखों रुपए साल के फीस भरते हैं हम, हमारे पोतों के लिए, पोती के लिए भरते हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम एक चीज को नहीं देख रहे, प्रकृति को नहीं देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है, बिल्कुल, इसका मौसम, जलवायु खराब हो चुकी है, मौसम परिवर्तन हो गया है। हाँ जी, तो हम उसको देखते हो, बरसों से हमने कभी कागज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या बात, तो इस पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्रकृति पे बहुत ध्यान। ये जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम भी साफ हो जाएंगे। बहुत अच्छे विचार है विजय भाई के, बहुत बहुत थैंक यू विजय जी, आप हमारे चैनल पे आए और मुझे मौका दिया आपका इंटरव्यू लेने का। और आप जो सीनियर सिटीजन हो गए उनको मौका दे दिया आपने, और हाँ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसी तरह से आपका काम देख दूंगा रात चौकना बढ़े। नमस्कार जी, आप हमारे लिए बस एक प्लेट लगा दीजिए वेज वाली, ताकि हम टेस्ट कर सके और बता सके। ठीक है, तो दोस्तों ट्राई करते हैं ये हॉट डॉग, और किसी भी तरीके से ये मतलब हमें हॉट डॉग नहीं लग रहा है, लेकिन ये इंदौरी हॉट डॉग कह सकते हैं इसको हम, और इसको हम पंजाबी कुलचा कह सकते हैं। पंजाब में ऐसे कुलचे मिलते हैं लाइक, जिसको दो फाड़ करके उसमें छोले डालते हैं, बट इन्होंने ये पैटी डाल रखी है और बहुत बढ़िया, इसमें आलू की, धनिए की, तो बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है इन्होंने, और एक लाल चटनी दी है और एक हरी चटनी दी है, और साथ में मूली दी है, क्योंकि प्याज बहुत महंगा हो गया भाई। और ये जो इसका क्रिस्पन है ना, बहुत प्यारा लग रहा है, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट इसको हरी से और लाल से जो है कि ट्राई करते हैं। अमेजिंग भाई, क्या फीलिंग आ रही है, मतलब मैं पूछूंगा इनसे घी कौन सा यूज किया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर वो घी की। मात्र 25 रुपए इसकी कॉस्ट है, और मैंने देखा इंदौर का जो फूड है काफ़ी रिजनेबल है और काफ़ी अच्छा है, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो हमारे साथ हमारे भाई थे, इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था, और इनका भी तो भाई स्वाद बनता है। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? ये तो हम लोगों की जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। जो इधर इंदौर में आता है जॉनी हॉट डॉग जरूर खाता है। तो चलिए इसको हम फिनिश करते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और इंदौर के और जायके लेते हैं। नमस्कार।